लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, कोर्ट के आदेश से कांग्रेस नेताओं में दिखी खुशी की लहर। चुनाव में आरक्षण को लेकर चल रही जद्दोजहद। खरगोन में विगत डेढ़ माह से PDPL कंपनी पड़ी बंद। भारतीय मजदूर संघ ने कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। 600 मांगों को लेकर श्रम विभाग में सौंपा गया। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे कोरोना की समीक्षा। चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग ने जायजा। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। रतलाम में भी याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता DP धाकड़ सहित अन्य कांग्रेसियों ने कोर्ट चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। गौरतलब है पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय होने वाले थे, लेकिन इसे भाजपा ने 2-स्तरीय कर दिया। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए चुनाव को संवैधानिक ढंग से कराने को कहा है। वहीं इस आदेश के बाद मंत्री राजवर्धन सिंह रतलाम के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन करने की भी बात कही है। सरकार ने तो अध्यादेश जारी किया था, अब जो कोर्ट का आदेश आएगा उसका पालन होगा। न्यायालय जो भी निर्देश दे रही है, न्यायालय मेरे ख्याल से निर्देश दिए हैं निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग आदमी कार्रवाई करे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया कर रहा था, उस चुनाव प्रक्रिया को पूरी सुनवाई माननीय विवेक तन्खा जी हमारे वकील थे, और पूरी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया यथावत रोक दी जाए। और उसके बाद OBC का आरक्षण हमारा 0 है। उस आरक्षण और पूरे संवैधानिक रूप से जो हमारे आरक्षण हुआ है वो गैर संवैधानिक है। खरगोन के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में PDPL कंपनी के मजदूर मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, जिसके लिए उन्होंने श्रम विभाग में एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल पानवा गांव में PDPL कंपनी है जो विगत डेढ़ माह से बंद पड़ी है। इसके चलते श्रमिकों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। ऐसे में अब परेशान श्रमिकों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्रमिकों ने प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और श्रम विभाग में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने बिना किसी सूचना के कंपनी को बंद कर दिया और कंपनी की मूलभूत सुविधाओं से मजदूरों को दरकिनार किया और अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। हालांकि श्रम अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने मजदूरों की मांगों को गंभीरता से लिया और वैधानिक कार्यवाही करने की भी बात कही है। पानवा में पेड़ा डक्ट इंडिया लिमिटेड PDPL कंपनी जो विगत 6 सालों से कार्यरत है, जिसने 2 महीने से बिना सूचना दिए, श्रमिकों को बिना सूचना दिए कंपनी प्रबंधक ने कंपनी बंद कर दी है। आज उसके लिए विभिन्न मांगों को लेकर हम ज्ञापन देने श्रम अधिकारी के पास आए हैं और अवगत करवाने हैं कि आपको इसकी जानकारी है कि नहीं। कंपनी में नोटिस भी चिपकाते हैं, बता रहे थे आप लोग बिना नोटिस किए हुए, बिना नोटिस लगाए हुए कंपनी 2 महीने से बंद है, जिससे श्रमिकों के मन में अपने भविष्य को लेकर चिंता है और कंपनी के आला अधिकारी कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। और 2 महीने का वेतन और PF और बोनस और अपना क्या नाम है सैलरी 12 घंटे काम करवाया जाता है, 12 घंटे के काम के डबल ओवर टाइम देना चाहिए, वो नहीं दिया जाता। अंदर मानव संसाधनों के लिए, श्रमिकों के लिए जो चिल्लर AC प्लांट है वो विगत 6 वर्षों से बंद है, जिन्हें चालू करवाया जाए क्योंकि इनके शरीर को हानि पहुंच रही है। और जल्द से जल्द इनकी मांगे नहीं पूरी हो तो भारतीय मजदूर संघ इनको लेकर बड़ा आंदोलन कर। PDPL कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ हमेशा मतलब ये छुट्टियाँ देते हैं तो कभी नोटिस नहीं लगाया जाता है और बगैर नोटिस के कंपनी बंद की जाती है, और ना हमारा PF डाला है इन लोगों ने और ना ही हमारी पेमेंट डाली है अभी आप, और बोनस भी नहीं दिया है। अभी साफ से मिले क्या आश्वासन दिया आप? अब साफ से मिले, उनने बताया है कि हम करेंगे आगे कार्रवाई, जो भी कार्रवाई है वो आगे करेंगे, पर हम परेशान हैं सर, हम यहीं पे मतलब कंपनी के निर्भर हैं, हमारे घर बार कैसे चलेंगे, मेरे हस्बैंड नहीं है। ये PDPL कंपनी के मजदूरों द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें मजदूरों द्वारा विभिन्न तरह की जो मांगे या समस्याएं उठाई गई है, उसमें जो श्रम कार्यालय से रिलेटेड है उसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो इस कार्यालय द्वारा की जाएगी।
जो पीएफ है और अन्य फैक्ट्री ऑफिस से जो संबंधित समस्या है वो उनको फॉरवर्ड कर उनसे भी लीगल कार्रवाई को अनुरोध किया जाए। शनिवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कोरोना के क्षेत्र में जानकारी दी। मंत्री सारंग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,463 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 21 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सीएम शिवराज आज सभी मंत्रियों और प्रभारियों के साथ कोरोना की समीक्षा करेंगे और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। सारंग की अगर माने तो सीएम ने सभी से जन जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन अभियान, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा है। साथ ही प्रदेश में एक बार फिर ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं मंत्री सारंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ कोरोना के नए वेरियंट पर भी बात चल रही है। कल कोरोना के लगभग 60,463 हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 21 पॉजिटिव आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 181 एक्टिव केस हैं। ये बात सही है कि रोज़ पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर किसी भी तरह के नए वेरिएंट की मध्य प्रदेश में कोई खबर नहीं है। पर उसके बाद भी हम जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हमारे सीमावर्ती प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि केसेस तेजी से आ रहे हैं, तो इसलिए ये हमें सुनिश्चित करना है कि हम हमारे प्रदेश में किसी भी तरह से कोरोना का संक्रमण ना बढ़ने दें। कुल अभी तक हमने 9,75,10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है, जो कि हमारे लिए बहुत संतुष्टि का संदेश है। जैसा हमने पहले कहा है कि दिसंबर के महीने में हमारा टारगेट जो पॉपुलेशन है उसके जो एलिजिबल पॉपुलेशन रहेगी उसको हम दिसंबर के महीने में पूरी तरह से वैक्सीनेट करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारा जो दो दिन पहले 10वां महावैक्सीनेशन अभियान था बहुत सफल रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना को लेकर समस्त मंत्रियों प्रभारी अधिकारियों के साथ हर जिले की समीक्षा करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि चाहे जन जागरण की बात हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, या फिर चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात हो, हम ये सुनिश्चित करें कि हर जिले में हम हर तरह की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें। विगत दिनों हमने सभी हमारे ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल भी की थी। हम फिर से एक बार पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल करने वाले हैं। बदनावर के तिलगारा गांव में एक व्यक्ति की सांप काटने से मौत हो गई। ताजा जानकारी के अनुसार रामचंद्र वाघेला जंगल में बकरी चराने गए थे, तभी उन्हें सांप ने डस लिया। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। अब पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में पत्रकारों के लिए सर्व सुविधा युक्त शेड निर्माण कराने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने शनिवार को भूमि पूजन कराया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पत्रकारों की मांग को देखते हुए शेड निर्माण किया जा रहा है। इस शेड में स्वच्छ जल, पंखा, गर्मियों के लिए कूलर की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पत्रकारों के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएगी। इस मौके पर युवा पत्रकारों के साथ कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज यहां पर पत्रकार बंधुओं के बैठने की व्यवस्था के लिए एक शेड के निर्माण का भूमि पूजन हमने यहां पर किया है। उसमें पानी पीने की मशीन से शुद्ध जल भी मिले, वो कूलर वो भी लगाएंगे। जो कुछ भी क्लोज व्यवस्था हो सकती है कि आराम से बैठे, क्योंकि जब रेस्ट करने के लिए देखा गया है कि पत्रकार बंधु, क्योंकि सेंटर प्लेस है
चारों तरफ से आके यहाँ बैठते हैं रेस करते, उसके लिए इस तरह की सुविधाएं यहाँ देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।